हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि HSC 2024 MSTCT 2024 के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है HSC 2024 के लिए, ये बुक है, ओके, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स PCMB अलॉन्ग विथ सोल्यूशन। सो सबसे पहले आप ये बुक खरीदिए, ठीक है, क्योंकि जो अपना HSC 12 का जो सिलेबस होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, बहुत वास्ट होता है। तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यदि आप हर चैप्टर को लेके बैठोगे तो आपके बहुत टाइम जाएगा, और कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसको आपका आइडिया नहीं है, ओके। सो क्या होता है, कभी कभी हम लोग 7-8 चैप्टर पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं और बाकी चैप्टर्स हम लोग छोड़ देते हैं एग्जाम के लिए। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी चैप्टर्स आपके क्लासेस वगैरह में पढ़ा के हो जा रहे हैं, आप क्या करो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, ओके। कैसा होता है कि जो 10th का सिलेबस होता है वो ईजी होता है, सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, सब 90% के ऊपर लाते हैं, पर जो 12th का सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें 90% लाना है तो आपको बहुत से ज्यादा PYQ सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ओके। सो सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन है ये बुक खरीदिए और इसके PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मैंने तो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया था, ओके, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि आपको एटलीस्ट 80-90% सिलेबस PYQ के थ्रू ही कवर हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन का आइडिया रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या आंसर लिखना है, ओके। सो ये अर्ली प्रिपेयर करेंगे तो आप आराम से 90% ला सकते हैं, एंड प्लस आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, ओके। एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आपको डर नहीं रहेगा, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यदि आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं 12th में और बहुत कम टाइम में, ओके, और फोकस्ड आने हैं, क्योंकि आप फोकस नहीं पढ़ोगे तो आपको MSTCT पे भी फिर वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वहाँ तो पूरा सिलेबस आने वाला है। सेकेंड थिंग, आप यदि MSTCT 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छी तरह तो आप अभी से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है, सबसे। और उसके लिए भी हमारे इस अभी कैसे है कि लास्ट 3-4 साल से PYQs की बुक्स वगैरह मिलने लगी है, जहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये PYQs की बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पहले जो MC की बुक होते हैं तो उसमें आपके 5,000-8,000 क्वेश्चन होते थे, आपकी जबकि PYQs की बुक्स में आपको 13,000 PYQs है फॉर ऑल PCM और PCB। ये PYQ सॉल्व करने से ही आपको टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझ जाते हैं कि एक पर्टिकुलर चैप्टर में कैसे टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। सो ये आप अभी से ही सॉल्व करोगे तो आपको आपको 12th में भी हेल्प होगा। यदि आप पूरा नहीं, पूरे सारे चैप्टर्स के MSTCT PYQs अभी सॉल्व नहीं कर पाते वो चलेगा, बट आप मैक्सिमम चैप्टर्स को कवर कर लीजिए जो ज़्यादा वेटेज वाले, जैसे कि आपको फिजिक्स में आपको पता होगा कि जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर जो भी है उनके जो PYQs है MSTCT के आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए ना करिए, एटलीस्ट इनके सोल्यूशन भी दिए गए, जैसे कि ये भी कोर्स आप हमारे इस लिंक से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करके वो खरीद सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, ओके। या आप डायरेक्टली भी खरीदेंगे तो आप साइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको सारे PYQs के स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया है। सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे 300 से मुझे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी MSTCT एस्पेरेंट। PYQs तो सॉल्व करना ही चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा 2 बार सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम सॉल्व करते हैं उस टाइम पे हम सीखते हैं, सेकंड टाइम जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्सपर्ट लेवल होता है, ठीक है। सो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि HSC के बाद का जो टाइम रहता है वो 3 महीना रहता है, उसमें भागा दौड़ी हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होती है, तो आप आज ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मतलब मैं तो ये बोलूँगा पूरा मत कीजिए, एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसके कर लीजिए। तो आपको कैसे कि एक 12th का जो पेपर होता है HSC का, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम पे आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर वो आपको आगे भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2 कोर्स है HSC 2024 के लिए बुक, और आप ये 2 इन्वेस्टमेंट कर लीजिए आपको यदि अच्छे परसेंटेज लाने हैं तो। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज PYQs मिल जाएंगे, ओके। 2023 के PYQs भी आपको मिल जाएंगे, जो कि एक्चुअली 2023 PYQs अभी पब्लिकेशन में है, वो अभी जस्ट हम अक्टूबर नवंबर तक आपको दिला देंगे, बट एटलीस्ट आप 2022 के PYQs प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लस आपको इसमें हमने मॉक टेस्ट की PDF भी प्रोवाइड की गई है, ओके, आप वो भी देख सकते हैं, ओके। यदि कल को आप मॉक टेस्ट भी खरीदना चाहते हैं तो आप हमारा मॉक टेस्ट का कोर्स भी ले सकते हैं, जिसमें हमने 200+ मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज फुल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। सो ये इसकी भी लिंक दी गई। इवन आप बुक, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप ये बुक खरीदिए, यदि आप बुक में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसकी PDF भी हमारे ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि बुक ही खरीदो, इसका भी मैंने अमेजोन का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है।
सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्रिपेयर वेल फॉर HSC 2024 एंड MSSC 2024 एंड दोस स्कोर गुड मार्क्स. थैंक यू फॉर दिस वीडियो.